भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, वो चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही है। चुनाव में जवाब देंगे, फिर 13 तारीख को लोगों ने जवाब नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है तोरपा विधानसभा क्षेत्र जहां अभी हम हैं, ये बानोट, यहां देखें कि आपने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। फिलहाल हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम प्रत्याशी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तोरपा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है सुदीप जी, सुदीप गुड़िया जी से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ इससे क्या लग रहा है आपको, क्या अनुभव? देखिए, ये बोलने की जरूरत है वो जरूरत नहीं है, आपने ये भीड़ देख लिया है। हर भीड़ बयां कर रही है कि इस बार तोरपा विधानसभा में हेमंत सोरेन के साथ है, तोरपा विधानसभा क्षेत्र इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मैडम को जो है आने में यहाँ देरी हुआ तो क्या लग रहा है, भीड़ पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका आप लोगों ने लाइव देखा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह षड्यंत्र रचा था वो उनके चुनाव प्रचार को प्रभावित करने का कार्य किया गया था, लेकिन हमारे जो महिला नेत्री हैं वो तेज तरार हैं और समय निकाल करके आए, इसलिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आज जो इन्होंने चुनाव सभा को संबोधित किया है, निश्चित रूप से इसका हमें लाभ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, वो चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही है। किस तरह से जवाब दिया जाए? एक भी झंडा नहीं होना चाहिए, चुनाव में जवाब देंगे, फिर 13 तारीख को लोगों ने जवाब नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। सुदीप जी हैं इनके पास, व्यस्ततम टाइम निकालकर हम इनसे समय लिए हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप आखिर में लोग जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना? जनता को यही संदेश दे कि 13 तारीख के लोकतंत्र के महापर्व में सबको हिस्सा लें और जरूर से जरूर वोट डालें। और इस बार जो है झारखंड एक नया झारखंड है, और ये आपका हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जो जल जंगल जमीन और हमारे हासा भाषा और हमारे हक अधिकार के लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को दोबारा चुने। तोरपा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदीप गुड़िया जी हैं कि कल्पना सोरेन का कार्यक्रम यहाँ तय था 3:40 में, जैसा कि हम लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन उनको आने में यहाँ जरूर विलम्ब हुआ। वो सिर्फ 2.5 मिनट के लिए कार्यक्रम को संबोधित कर पाए और घंटों से लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। 2.5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कल्पना सोरेन आई जरूर और लोगों का अभिवादन कर वो पुनः वापस चले गए।